जम की दरिया में डूबे ये दास्तां।
मेरा घर सोनापुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा सोना सिंह देवाती देव महादेव की इच्छा अनुसार मुझे संसार में कोई चीज की कमी नहीं है। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये संपत्ति ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इतना ही नहीं, मेरे हवेली में मुझे एक दो पटरानिया नहीं बल्कि छह छह महारानी है। लेकिन हवेली में छह छह महारानी को रहते हुए भी किसी से कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। ये विधाता एक बच्चे के लिए ये धन दौलत, ये शान, ये शौकत सब कुछ बेकार है। जब भी मैं दरबार में आता हूं तो मैं हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता हूं। हे भगवान, आखिर जब मैं इस राज से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद इस राज का और मेरे सर की ताज का क्या होगा? आहो रही आई उदास संसार में ये पत्ता भी नहीं हिलता तो पुत्र और पुत्री की बात तो बहुत दूर है। भाई अब मैं यहां से सिंह दरबार की ओर चलता हूं। यहां की मेरा महामंत्री दरबारी रहा करता है। मैं चलकर के देखता हूं मेरा दरबारी अभी क्या कर रहा है।
वक्त कहीं का ना जाने जब ही मैं दरबार में आता हूं तो मेरा दरबारी दरबार को छोड़ करके कहां चला जाता है। आज मैं सबसे पहले अपने महामंत्री का खबर लूंगा। मैं आवाज लगाता हूं, देखता हूं मेरा महामंत्री कहां है और क्या कर रहा है। कहां है किस जगह महामंत्री? सर्विस एक पॉइंट उठा नहीं उठे तो हमें उठ जबो हला हलो राजा जी हो दिल से लगाई हां राजा जी हो दिल से लगाई हां राजा जी हो जी हो इसका आवाज बढ़ा दीजिए। ये बाबा ना जाने में कब से या करके चिल्ला रहा है और तू पीछे से गाना गाते हुए जा रहा है। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे ही दरबार में मेरे ही नजर के सामने आ करके तू गाना गाएगा। क्या हुआ रे? हुआ क्या? ये बता, मैं दरबार में आकर के चिल्ला रहा हूं और अभी तुम कहां था और क्या कर रहा था? महाराज हम मजा ले रहे थे। मजा? मजा ले रहे हो? कैसा मजा? हराम ज्यादा कहीं का कैसा मजा रे?
महाराज संगीत का बजा दे रहे थे। अच्छा संगीत का जब तू संगीत में था तो इतना लंबा चौड़ा करके बोलने का क्या जरूरत था, सीधा कहता कि मैं संगीत में था। लेकिन इस समय तू संगीत में चला गया था, ये बता अगर तुम्हारे दरबार में कोई अभ्यागत आ जाएगा तो अभी तुम उनके लिए बैठने के लिए क्या सोचा है? कुर्सी हो ए कुर्सी की बच्चे बहुत अच्छे, पंगा नहीं लेना, जल से दरबार में कुर्सी लगाओ। हेलो इतना तेजी से आ रहा है, ये बता कि तुझे आगे का लोग दिखाई देता है या नहीं? महाराज जब आपका हुक्म हुआ जितना जल्द हो दरबार में कुर्सी ला तो हम ये लोग पहले से गए हेलीकॉप्टर। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में ब्रेक नहीं है, ब्रेक देने तो सीसी है ना, बताइए ब्रेक का काम सीसी से करता है गधा कहीं का, उल्लू के पट्टे, अकल के कोल्हू, छिलगोभी के छिलके। ए भगवान हम छिलगोभी के छिलके, बाबा तो मिठाई के दाना बुढ़वा भैंसवा रंग के दौड़े छे मैयो। महाराज आबो बैठो, बताइए आइए बैठिए बैठिए सबसे पहले आप लोग इसका बैठने का स्टाइल देखिए क्या है। और कुर्सी को तू अपने सर पे रखा है और ऊपर से मुझे बैठने के लिए कह रहा है, अरे कम वक्त कुर्सी को नीचे लगाएगा तब तो मैं बैठूंगा, और नीचे जमीन पे, जमीन पे क्या हुआ रे? क्या समझदारी नहीं है महाराज, राज में हर बात को आप समझते हैं। बिल्कुल समझदार हूँ मैं, लेकिन आपको कुर्सी के बारे में जानकारी नहीं है। क्या मैं नहीं जानता? मैं बताता हूँ, चल बोल समझाओ तू मुझे। महाराज इन्हीं कुर्सी के वास्ते, इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हर गया बिचारा। ये बात तो तू सत्य कह रहा है, इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हर गया, इन्हीं कुर्सी के वास्ते कितना बोल लागले पुरवा की है नहीं लागलो। सबसे पहले तो तुम ये बता कि बात तू उधर करता है, ये बार बार फट्ठा वाला गोली इधर क्यों चलाता है? इधर भाव बताते हैं, भाव कहीं भाव बताने में लग जाता तो कहीं जगह तक जाता तो। बेवकूफ कहीं का, एक ना एक दिन लगता है मुझे तू इस गोली से मुझे काना कर देगा। महामंत्री जिस कुर्सी के लिए ये सब हुआ तू जानता है वो कौन सी कुर्सी है? कौन सी कुर्सी है महाराज? वो राजनीतिक की कुर्सी है। ओ भाई साहब वो दिल्ली की कुर्सी है। जी हाँ। और ये आपका प्राइवेट कुर्सी? ये मेरा प्राइवेट कुर्सी है महामंत्री, प्लास्टिक की। ए लगा लगा दिया रे। जी महाराज की जय जय हो।
ये जार बुखार किसको पकड़ा रहा है? काढ़ा कहीं का। चलो परिवार में चल करके बैठते हैं। हेलो महामंत्री ये बता जी, कुर्सी तो तू लगा दिया, जरा चल करके उसे साफ कर दो। बिल्कुल ये बता, मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा या जा करके बैठ जाने के लिए? साफ कर रहा था, साफ कर रहा था। कुर्सी साफ कर रही है क्या चीज से? बरस कहाँ है? बरस 2016 है। इतना मारूंगा मैं तुम्हें, इतना मारूंगा। बार बार समझाता हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो। सुनो, आई हम मजाक की तो बोलने लगे। हे भगवान, महामंत्री ये तू ही है जो दरबार में मुझे कभी कभी हंसा देता है। लेकिन महामंत्री तुम तो जानता है, विधाता ने इस राज में धन दौलत तो दिया, मेरे हवेली में एक दो महारानी नहीं बल्कि छह शादी किया हूं मैं। लेकिन फिर भी किसी की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जब भी मैं दरबार में आता हूं तो मैं हमेशा उदास रहा करता हूं। तुम ही बताओ बिजली, जब मैं इस राज से गुजर जाऊंगा तो क्या होगा इस राज का, क्या होगा मेरे सर की ताज का? हे भगवान, वाकई में हमारे महाराज को एक नहीं छह महारानी है, फिर भी मेरा फिर भी बेचारे पुत्र के नाम से हाथ धो बैठे हैं। अरे माना नहीं अल्लाह गैर जू ऐसा करो। आज दिल नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं महामंत्री। बगल में फोन नहीं, चलो करे पकड़ बे। शट अप। अरे गधा, मैं वैष्णव आदमी हूँ। सही है महाराज, हम भूल गए थे। क्या चाहिए? आज तू ऐसा करो, हवेली से मेरी बड़ी महारानी को बुलाओ। हम
के गुलाब बाग जाल के दिल बहलाने के लिए हम सोच रहे थे कई मोजरा गाने वाले को बुला कर लाऊंगा। नहीं महामंत्री जी, मेरी बड़ी महारानी को बुलाओ, आज मैं बड़ी महारानी के साथ अपने पुत्र के बारे में कुछ बातें करूंगा। जी महाराज, जैसे आज्ञा क्या हो। महाराज चल कर दरबार में राज सिंहासन पर बैठिए, आपके लिए पूरा नौरी गरम गरम चाय बना कर लाएगी, तब तक मिलेंगे हम इस राज की राजमा। ठीक है महामंत्री, मैं जा रहा हूँ और तुझा महारानी को बुला कर के लिया। अहे देविया, जरा बोहनाइए सी छोड़ दे छियो मास्टर बात जान ले बेचरा वो बोहनाइए लाग नाल वाला। हमे कहां कर जतरा बने हो यहां कतो गुर 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 ए बाहे ए याबा की कहजे कहजे घुरक घुरक चुप चुप की ने मजाक करे छे बरकाओ। चलिए चलिए जल्दी चलिए। आहे देविया आइए आखो बड़ी आहे रे हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो सबसे पहले इस राज की राजमाता जी को महल से बुलाकर दरबार तक लाना है, क्योंकि महारानी के बगैर हम बिल्कुल उदास हैं। आइए सबसे पहले मिलते इस राज की राजमाता जी से। बोझे दिलिया आखो बोड़ी आहे रे स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बोले लिखा मैयो हो बाबू अरे बरकाबू हम हर बार आए गई वो मेरा स्वामी है तो ना बताओ हम जन है कहलिया स्वामी जी बरकाबू हमरो छक सुनौती पाकी लो बरगे नहीं जी महाराज जी बुलाए हैं जी। ठीक है मंत्री जी, हम लोग यहाँ से अब चलते हैं। ठीक है मौसा साहब, चलिए सबसे पहले दरबार में मिलते महाराज से। एक दो तीन सर Thank you.
रानी जानती है सिंगार। तुम तो जानती है कि जब भी मैं दरबार में आता हूँ, हाँ स्वामी, तो मैं हमेशा एक ही बात को सोचता रहता हूँ। महारानी, हाँ स्वामी, तुम तो जानती है कि विधाता ने धन दौलत राज पाट सब कुछ दिया, लेकिन महारानी हवेली में एक तो नहीं बल्कि छह छह महारानी है। किसी के कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं दिया महारानी। हे स्वामी, क्या मैं दूसरी माँ बहन की गोशी पुत्र ले आऊं? नहीं महारानी। महाराज, महाराज हाँ, सील भाग लाओ। क्या सील हो गया? चला बाजार सील। क्यों? कौन कर दिया सील? अब मैं कर दिया। हेलो चे कोडलेस हुसैन नै ले छै एकरम बराबर टट्टा आबे बढ़ा के राखो सब भाई के गट्ठे बढ़ावे। हेलो छै हमरो टट्टा हमरो। हेलो टट्टो टट्टा ट्रेवल टट्टा ताबो। हेलो छै हमरो बोला का पर। हेलो 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 हो गया रे। हेलो भाग ले। हां हां ए महाराज क्या हुआ? सब केला सील के दे लियो। क्या एखनी गेल रे जोन पटार ले के? अच्छा है सब केला भाग लो ठोला। ठोला हो गया जना जना तो सब जीव बोन छो ए केलो बोन। अरे हराम शरम। महारानी, हां स्वामी, मैं इसीलिए आज तुम्हें दरबार में बुलाया था कि आखिर आगे चल करके इस राज का क्या होगा। महारानी, हे पुत्र बीनु ला गई है स्वामी जी।
महारानी आज मैं हवेली से कुछ सोच के आई हूँ। तो कहो महारानी, क्या सोच करके आई है? मैं आज यही सोच के आई हूँ, इसी बात तो इसी टाइम मंत्री जी को काशी भेज दीजिए। काशी? हाँ स्वामी। महामंत्री काशी जाकर के क्या करेगा महारानी? महाशी व्यास मुनि पंडित को बुलवा करके और छोड़ो महारानी का भाग रेखा दिखा जाए, किनके भाग में क्या लिखा है, किनके भाग में पुत्र लिखा है। महारानी, तुम्हारे कहने का मतलब है हवेली में छह छह महारानी है, लेकिन किसके भाग में क्या है ये व्यासमुनि बाबा बता सकता है? हाँ स्वामी। सत्य कह रही है महारानी? जी स्वामी जी। आरा बिजली। देखिए वो ना कुत्ता बोल रही है। क्यों? कल के घर बजा बाबू की आई गलो, जब वहां खेली तो कुत्ता किया सुनते विजय क्या दे। जब मैं तेरी बुलाता हूं तब कुत्ता को बुलाता है। ए लड़ते 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 लहरे आ लाएगा। जानता है अभी तू कहां जाएगा? कहां जाएगा महाराज? अभी यहां से डायरेक्ट काशी जाएगा तू। कहां? काशी। क्या हुआ रे? महाराज हम न जाएंगे काशी। क्यों? जो जाता है काशी अच्छा उसे पड़ जाता है फांसी।